गुड मॉर्निंग बताने आज आप हिंदी विषय पढ़वानु है। सर्वनाम जो हम लोगों ने पढ़े थे उसमें थोड़ा बाकी है, उसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? बोलिए। ओके, तो हम लोगों ने सर्वनाम की व्याख्या समझाई थी। अब सर्वनाम के बारे में थोड़े हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम यानी सभी के लिए जो नाम आप इस्तेमाल कर पाओ, यानी मैं हम तुम यह वह, ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम है, यानी सभी के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने जैसे कि पहला बताया था उसी तरह से फिर से मैं आपको समझाती हूँ। सर्व और नाम, नाम का अर्थ तो आपको पता ही है कि नाम का अर्थ क्या होता है। सर्व यानी सभी, सभी के लिए जो नाम आप इस्तेमाल कर पाओ उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं यानी खुद के लिए, जो शब्द आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हो वो सभी लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं खुद के लिए इस्तेमाल कर पा रही हूँ, मैं यानी मैं, गुजराती में आपने कहिए तो हूँ, इस प्रमाण उसी अनुसार सभी लोग अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है तू, मैं, फिर हम, तो हम सभी के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए है, जैसे मैं हम कहती हूँ वैसे दूसरे लोग भी उनके लिए हम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे है तू, तो हम किसी को भी तू कह के बुला सकते हैं, तू तुम, ये सारे शब्द हम सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे के लिए तू तुम ये शब्द इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर इसके अलावा आगे का शब्द है आप। याद रखो, आप शब्द हमेशा मानवाचक शब्द कहलाएगा, कि आपसे बड़ा हो कोई भी या फिर कोई ऐसा कि जो आपसे आप उनको नहीं जानते, यानी कि आपके लिए वो अनजान है, उसको भी आप कह के बुला सकते हो। हमेशा याद रखो कि आप शब्द मान सूचक शब्द है और वो कभी भी किसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके अलावा है यह शब्द। अगर आप कोई चीज आपकी अगर निकट है, आपके पास है, तो आप क्या कहोगे? यह। अगर दूर है तो वह कहोगे। लेकिन ये हर एक चीज यानी कि यह वह ये सारे शब्द आप सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए उसे यह आप भी कह सकते हो कि हाँ यह चेयर है, यह कुर्सी है, फिर यह टेबल है, इस तरह से आप सब कुछ बोल सकते हो। तो यह शब्द हर एक चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, यह और वह दोनों ही, ये दोनों ही सर्वनाम है। फिर उसके अलावा यह ये भी आप कह सकते हो, वे भी कह सकते हो। याद रखो सर्वनाम, सर्वनाम यानी ऐसे नाम जो आप सबके लिए इस्तेमाल कर पाओ। तो आपको सर्वनाम के बारे में पता चल गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं। पक्का पता चल गया सबको? तो चलिए आज हम विशेषण के बारे में थोड़ा समझाएंगे। विशेषण किसे कहते हैं, आप लोग लिखना शुरू करो। विशेषण, अब सोचो कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण यानी क्या? विशेषण यानी किसी भी चीज के बारे में, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु, कोई पदार्थ हो, हर एक चीज की अपनी एक विशेषता होती है। तो विशेषताओं के बारे में हमें बताना है, तो विशेषता दर्शाने के लिए हम जो शब्द रखते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। क्योंकि आपको अगर कोई भी बात कहनी है तो उस बात को आपको कहने के लिए कोई एक शब्द चाहिए, क्योंकि
हम जो भी बातचीत करते हैं, अगर बातचीत करनी है तो हमें वो बोलना पड़ेगा, तभी सामने वाला वो चीज समझ पाएगा। तो वो चीज समझाने के लिए जो शब्द रखते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या अच्छी बात है या फिर क्या बुरी बात है, ज्यादातर अच्छी बातों को हम लोग बात करेंगे कि जो विशेषता है, विशेषता है यानी उसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, तो वो सारे विशेषण कहलाएंगे उस नाम के जितने भी चीजें हैं। आप समझाते हो कोई भी चीज तो उसकी विशेषता समझाते हो तो उसे विशेषण कहा जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आपको व्याख्या लिखनी है तो आप लिख सकते हो, लिखो संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, जिसे जो भी चाहे वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, जीवित हो मृत हो, लेकिन उसमें अगर कोई विशेषता है यानी कुछ अच्छा है, कोई ऐसी चीज है जो दूसरों से अलग है, तो याद रखो वो उसकी विशेषता हो, तो उस विशेषता को दर्शाने के लिए आप जो शब्द रखते हैं उसे विशेषण कहा जाएगा। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। लिखो विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार यानी विशेषता तो हर एक व्यक्ति और वस्तु में होती है, लेकिन वो कौन सी विशेषता यानी कौन से विशेषण में वो आती है वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेषता हर एक की अलग अलग होती है, वो अलग अलग रूप से कहलाती है। तो यहाँ पर पहली विशेषता है यानी कि पहला विशेषण कौन सा है, लिखो पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब उसके बारे में थोड़ा लिखना है तो पहले लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि गुणवाचक विशेषण यानी क्या। वैसे तो आपको इससे पता चल ही गया होगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि याद रखो जो भी चीजें यहाँ पर लिखी जाएगी उसी के अनुसार यानी उसी के संबंधित वो विशेषण होगा। तो लिखो पहला, इसमें डैश करके लिखना निर्देशक चिन्ह करके, जिस शब्द में संज्ञा के गुण, गुण अर्थात यानी कि आप लिख सकते हो, उसके अलावा गुण अर्थात रूप रंग, गुण अर्थात रूप रंग, दशा स्थिति। याद रखो कि जो भी आप लिखते हो दोनों के बीच में आपको योजक चिन्ह करना है, वो भूलना मत। अगर आप लिखते हो रंग रूप तो इस तरह से लिखा जाएगा रंग रूप, फिर दशा स्थिति, और योजक चिन्ह क्यों होता है तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही है। ओके, फिर लिखो आकार प्रकार
सकार। दोष दोष का बोध हो, दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब थोड़े से उदाहरण मैं यहां पर लिखती हूं। लाल टोपी, छोटा गांव, मामूली बात, उसके अलावा गरीब लड़का, ये सारे उसके उदाहरण हैं। वैसे तो इससे भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो, लेकिन ये सामान्य उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिससे आपको पता चले कि इसका मतलब कैसे होता है, यानी कि ये काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गुणवाचक विशेषण, तो संज्ञा या सर्वनाम उसमें क्या विशेषता है, यानी वो जो जो भी आप बात कह रहे हो तो उसमें विशेषता क्या है, अगर वो आपको ढूंढनी है तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पूरा शब्द यानी पूरा वाक्य क्या है। यहाँ पर हम लोगों ने शब्द लिखे हैं, तो देखना है कि यहाँ पर विशेषता आपको क्या दिखाई दे रही है। अगर समझ में आए तो खुद से प्रश्न बनाना सीखो, कि प्रश्न अगर बनाओगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसकी विशेषता ढूंढी जा सकती है। देखो यहाँ पर है लाल टोपी, टोपी तो पता है सबको कि हाँ टोपी है, लेकिन कैसी टोपी है, तो कैसी है, लाल है, उसका गुण है ना, उसके अंदर विशेषता क्या है कि वो लाल रंग की है। टोपी तो है लेकिन कैसे रंग की है, तो लाल रंग की है। फिर उसके अलावा यहाँ पर छोटा गांव लिखा है, तो फिर आगे कि ये पूरा शब्द अगर आप पढ़ोगे तो इसमें से प्रश्न बनाओगे, आप ये तो प्रश्न बता नहीं सकते कि छोटा क्या है, ये विशेषता नहीं होती, उसमें क्या गुण है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या फिर रंग है, रूप है, आकार प्रकार दशा स्थिति, यही सारी चीजों से आपके गुणवाचक विशेषण बनता है। यानी इतनी चीजें अगर होगी उस वाक्य में या फिर शब्द में तो समझ लो वो गुणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर लाल टोपी हमने समझ ली, लाल टोपी हमने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर है छोटा गांव, तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न पूछेंगे कि भाई गांव कैसा है, पूछते हो ना, तो गांव कैसा है, छोटा है, यानी उसकी विशेषता हुई, गुण हुआ ना, गांव तो है लेकिन कैसा है, छोटा है। समझ में आ रहा है ना सबको। फिर उसके बाद यहाँ पर है मामूली बात, पूरे पूरा वाक्य वैसे मैंने पहले लिख दिया लेकिन फिर भी बता दी कि यहाँ पर कोई बात कर रहा है या बात हो रही है, लेकिन कैसी बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखा है मामूली, यानी सामान्य, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी मामूली सी बात है, यानी ये उसकी विशेषता हुई, बात की विशेषता कि बात कैसी हो रही है, तो मामूली बात हो रही है। फिर उसके अलावा गरीब लड़का, गरीब लड़का, तो आप सोचोगे कि हाँ लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, उसकी स्थिति कैसी है, दशा कैसी है, तो कैसी है, वो गरीब है, कि वो गरीब है। हमेशा याद रखो जब भी आप कोई भी शब्द लो या फिर वाक्य लो तो हमेशा ये चीज हमेशा याद रखो कि पूरा वाक्य पहले पढ़ो, फिर उसमें से खुद प्रश्न बनाना सीखो कि उसमें विशेषता क्या दर्शाई गई है। अगर आप खुद से प्रश्न बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें विशेषता कौन सी है। जैसे यहाँ पर लाल टोपी है तो फिर उसमें लाल विशेषता हुई, इसका गुण है। फिर छोटा गांव,
तो छोटा है, फिर मामूली बात में मामूली, गरीब लड़का तो उसमें गरीब, तो ये सारी उसकी विशेषता हुई। फिर उसके अलावा अगर आपको वाक्य के अंदर ढूंढना है तो थोड़े वाक्य मैं यहाँ पर लिखती हूँ, वो देख लेना, तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़े वाक्य मैंने लिखवाए हैं, तो वो वाक्य देखो कि यहाँ पर पहला वाक्य है कौन सा है, हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत तो सभी को पता है कि हिमालय पर्वत तो है, लेकिन हिमालय पर्वत की विशेषता क्या है, उसमें क्या क्या खास या फिर क्या नया है, तो वो क्या है, ऊंचा है, यानी ऊंचा पर्वत है, या फिर यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको पता ही है हिमालय के बारे में। फिर उसके अलावा गंगा पवित्र नदी है, गंगा नदी है ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो नदी कैसे, क्योंकि बहुत सारी नदियां है ना, तो फिर उसमें सभी में अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए, तो यहाँ पर विशेषता, इस वाक्य की विशेषता क्या है, पवित्र, उसका गुण हुआ ना कि गंगा नदी तो है लेकिन कैसी है, पवित्र नदी है। फिर आगे तीसरा प्रश्न बोलिए। हाँ सब कुछ लिखना है, मैं यहाँ पर जो भी आपको लिखवाऊंगी वो सारी चीजें आपको लिखनी है, ताकि आपको याद रहे, शब्दों के द्वारा मैंने लिखवाई, उसके अलावा अगर वाक्य आएंगे तो आप वाक्य के द्वारा भी लिख सकते हो कि इसमें समझा क्या जाएगा, वाक्य में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि छोटा सा शब्द होगा तो आप उसमें कंफ्यूज होगे, जैसे लाल टोपी है तो उसमें विशेषता क्यों होगी, क्योंकि जो नए हैं जिनको पता बिल्कुल भी नहीं है कि विशेषण क्या है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने पूरा वाक्य यहाँ पर लिखवाया है। फिर आगे सुनीता सुंदर लड़की है, तो फिर यहाँ पर क्या है, सुनीता लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर है, सुंदर उसका गुण हुआ ना रूप रंग, तो फिर यहाँ पर सुंदर होगा गुणवाचक विशेषण में, ये क्या होगा, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, कि उससे समझ में आ गई कि यहाँ पर ये जितने भी वाक्य है सारे के सारे वाक्य गुणवाचक विशेषण के वाक्य कहलाएंगे, ये सारे शब्द है वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे शब्द इस वाक्य की विशेषता दर्शाते हैं, इन सभी चीजों की, हिमालय की तो ऊंचा, गंगा तो पवित्र, सुनीता तो सुंदर, समझ में आया कि उनकी विशेषता दर्शाता है कि इसमें विशेष क्या है, अच्छा क्या है, चाहे वो रंग रूप में हो, वो दशा स्थिति में हो, आकार प्रकार में हो, या फिर दोष में हो, सभी चीजों में आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो उसकी विशेषता होगी। मैं मान लेती हूँ कि सभी लोगों ने लिख लिया होगा। सबको समझ में आ गया गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम दूसरा विशेषण पढ़ेंगे कि दूसरा विशेषण कौन सा है। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, तो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं,
याद रखो, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती कि हाँ इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, तो याद रखो ये ट्रिक है ऐसी कि उसमें आप उस शब्द को तोड़ डालो। जब भी कोई शब्द अगर आपको ऐसा कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या होगा, तो हमेशा याद रखो जब भी कोई शब्द अगर आपकी समझ में ना आए तो उस शब्द को तोड़ना सीखो। संख्यावाचक पूरा है तो यहाँ पर आप संख्या निकाल दो, सिर्फ लिखोगे संख्या, तो संख्या का अर्थ आपको पता है, संख्या यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंग्लिश में अगर लिखो तो। उसके अलावा आप अपने हिसाब से अवकड ये सारी चीजें लिखते हो ना, तो उसी तरह से संख्यावाचक भी है, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या ही लिखाई गई है तो यहाँ पर हम सिर्फ संख्या रखेंगे, क ख ग ये सारी चीजें नहीं रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं हैं। आपने पढ़ी तो होगी ना बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो और अभी भी आपका यही चलेगा। याद रखो जब तक जिंदा हो ना तब तक यही चीजें सारी पढ़ने के लिए आएंगी, और याद रखना ये चीजें आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपको हमेशा यहाँ पर सहायता करती है, यानी हेल्पफुल होती है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि यही चीज आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है। बहुत छोटी सी, समझना भी आसान है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर है संख्यावाचक विशेषण, यानी जो भी अगर आप कोई शब्द लिखते हो या कोई भी वाक्य है तो उसके अंदर उसकी संख्या दर्शाई गई हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि उसकी विशेषता क्या है, इसमें सारी संख्याएं दी गई है यानी निश्चित रूप से है। संख्या दी गई होगी तो निश्चित ही होगी ना। लिखो उसमें जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण मैं लिख देती हूँ, देख कि संख्यावाचक तो उसमें समझ में आना चाहिए, कोई भी अगर वाक्य है या फिर शब्द है तो उसमें संख्या दी गई होगी, तो वो याद रखना कि जब भी आपको ऐसी संख्या दिखाई दे तो वो विशेषण संख्यावाचक विशेषण ही कहा जाएगा। कि देखो यहाँ पर ये सारे शब्द हमें संख्या दर्शाते हैं कि 7 रुपये, तो यहाँ पर रुपये है लेकिन कितने हैं, 7 है संख्या हुई। फिर उसके अलावा आदमी, 20 आदमी है, तो फिर यहाँ पर हम लोग आदमी विशेषता तो होगी नहीं, आदमी तो होते ही है लेकिन उसमें विशेष क्या है, तो वो 20 है, कितने हैं 20। फिर उसके अलावा यहाँ पर वर्ष है, तो वर्ष तो बहुत सारे होते हैं, इतने सारे वर्ष है, अभी 2020 चल रहा है तो फिर 20, तो फिर यहाँ पर अनेक वर्ष यानी इतने सारे वर्ष हुआ कि नहीं, कि वर्ष तो है लेकिन कितने हैं, बहुत सारे यानी अनेक वर्ष है। फिर दिन, दिन वैसे तो 7 होते हैं लेकिन अगर कोई वाक्य के अंदर या कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि मैंने 7 दिन गिन के ऐसे लिखूं, वहां पर 2 दिन 3 दिन ये भी लिखा हो सकता है, तो दिन, अब दिन दिन तो है लेकिन कितने दिन हुए, तो 2 दिन हुए। समझ में आया कि यहाँ पर हमें संख्या दर्शाई गई है हर एक चीज में, अगर आपको संख्या दर्शाई जाए, याद रखो किसी भी वाक्य के अंदर आपको इस तरह से संख्या दर्शाई जाएगी कि इतनी चीजें हैं, इतनी वस्तु है या फिर इतने आदमी है, औरतें हैं, कुछ भी हो, चाहे वो व्यक्ति के लिए हो या वस्तु के लिए, याद रखो जब भी वहां पर संख्या आपको दर्शाई जाए तो याद रखना उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा।
और एक चीज जो आपको मैंने समझाने वाली थी इसी कि यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने दिन लिखा है, ये दिन और ये दिन, किसी को पता है इसका फर्क क्या होता है? इस दिन का अर्थ क्या है और इस दिन का अर्थ क्या है? मैं बताती हूँ, यहाँ पर जो ये दिन है ना, इसका अर्थ होता है गुजराती में दिवस, और ये दिन यानी गरीब, गुजराती में लिख रही हूं, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा। याद रखो ये सारी चीजें है तो बहुत छोटी सी, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे या कहीं भी तो ये चीजें आपको बहुत वैसे तो लगेगी हाँ इसमें क्या है, लेकिन ये इन दोनों में जरा सा ये फर्क है ना, बोला जाता है समान रूप से, उच्चारण ज्यादातर लोग समान करते हैं, लेकिन ये उच्चारण भले ही समान लगे लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। अगर इस जगह पर आपने ये लिख लिया और इस जगह पर आपने ये लिख लिया तो पूरा अर्थ बदल जाता है, तो हमेशा ये चीज याद रखना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लगती बहुत छोटी छोटी है लेकिन इससे अर्थ पूरा बदल जाता है। और आपको तो पता ही है हिंदी गुजराती इंग्लिश कोई भी भाषा ले लो, ज्यादातर हिंदी गुजराती में अगर आप सही रूप से उच्चारण नहीं करते हो, सही रूप से समझा नहीं पाते हो, परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ भी बदलता रहता है। तो हमेशा याद ये चीज रखना कि आप इस समय क्या बोल रहे हो, क्योंकि एक ही उच्चारण या एक ही चीज अलग अलग स्थिति में अलग अलग परिस्थिति में उसका अर्थ भी बदलता रहता है, इसलिए ये चीज है हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर हम वापिस आ जाते हैं कि संख्यावाचक विशेषण, कि यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, अगर मैं उदाहरण आपको वाक्य के रूप में दे रही हूँ, जगह नहीं है इस तरफ इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। देखो यहाँ पर मैंने तीन उदाहरण दिए हैं, अगर आप वाक्य के रूप में अगर देखना चाहो तो कि ध्रुव के पास 3 रुपये हैं, ध्रुव के पास रुपये तो है लेकिन कितने हैं? 3 हैं। तो इस वाक्य पूरे वाक्य में विशेषता क्या हुई? 3 हुई, 3 रुपये हुई ना, रुपये तो है लेकिन कितने हैं? 3। तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, यानी 3 संख्यावाचक विशेषण है। फिर कायरा 2 दिन बाद आएगी, कायरा आएगी लेकिन कितने दिन बाद आने वाली है? 2 दिन के बाद। तो यहाँ पर जो 2 है वो क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। फिर उसके अलावा प्रेम के पास 100 रुपये है, प्रेम के पास रुपये तो है लेकिन कितने हैं? तो 100 है। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई चीज, अगर आप कोई भी वाक्य पढ़ते हो या कोई भी शब्द पढ़ते हो उसमें अगर इस तरह से लिखा जाए, यानी कि संख्या लिखी गई हो और उसमें विशेषता, अगर आप पूरा वाक्य पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि जब भी आप ये चीज पढ़ोगे तो जो शब्द जिस शब्द के अंदर विशेषता होगी वो शब्द उस शब्द पर आप थोड़ा सा दबाव डालकर ही बोलेंगे कि प्रे के पास 100 रुपये है, प्रे के पास 100 रुपये है ये नहीं बोलोगे, प्रे के पास 100 रुपये है, इस तरह से आप बोलते हो। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, उसकी विशेषता क्या हुई? 100 रुपये, उसके पास रुपये तो है लेकिन कितने हैं? 100 है। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि जब भी ऐसी कोई संख्या दर्शाई गई हो जिससे वाक्य की विशेषता दर्शाती हो
वाक्य की विशेषता समझ पाओ तो याद रखना वो सारी संख्याएं क्या होगी, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगी। क्या तक सबकी समझ में आया? संख्यावाचक विशेषण समझ में आया सबको? ओके वेरी गुड। चलिए अब आगे तीसरा प्रकार। वो है परिमाणवाचक। याद रखो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग गलतियां करते हैं कि परिमाण की जगह परिणाम बोलते हैं। परिणाम यानी पता है ना रिजल्ट, और परिणाम नहीं होता यहाँ पर परिमाण होता है। लिखो तीसरा परिमाण वाचक विशेषण। अब आप सोचो कि ये परिमाण क्या है? परिणाम तो जानते हो लेकिन परिमाण क्या होता है? ये शब्द तो सुना भी नहीं है कभी। लेकिन ये शब्द इतना भी ऐसा मत समझो कि नहीं बहुत हार्ड है, इसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये शब्द है बहुत बड़ा लगता है लेकिन इसका अर्थ बहुत छोटा सा है। परिमाण, परिमाणवाचक यानी क्या? परिमाणवाचक यानी मात्रा दर्शाता है। आप लोग वजन कहते हो ना कि वजन कितना हुआ, ज्यादा है कम है, मात्रा कितनी है यानी कितने कितना है, किलो लीटर उसमें आप करते हो ना, वो सारी चीजें मात्रा कहलाती है और वो परिमाणवाचक विशेषण है। लिखो उसके बारे में। जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण यानी मात्रा, अगर आप लिखना चाहो तो कोष्टक करके यानी कौन करके उसमें मात्रा लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण कॉस करके लिखो कोष्टक में मात्रा, नाप माप ये दोनों शब्द, नापना मापना हम लोग कहते हैं ना मापवू गुजराती में, उसे ही कहते हैं नापना। हिंदी में उसे नाप कहते हैं, गुजराती में माप कहते हैं। नाप माप या तोल का बोध हो जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण कॉस करके लिखो मात्रा कॉस कंप्लीट, नाप माप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण लिखाऊंगी उससे आपको पता चल ही जाएगा वैसे तो इसका अर्थ क्या होता है। अगर आपको इस तरह से समझनी है तो ये दूसरी तरह से। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं फिर से आपको कह देती हूँ। यहाँ पर है पहला 2 मीटर कपड़ा, फिर 10 लीटर दूध, थोड़ी मेहनत, बहुत पानी। या फिर आप 10 लीटर नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप आधा भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा क्योंकि वो मात्रा ही है। आधा लिख देती हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर यह सारे शब्द हैं, तो कपड़ा आप जानते हो कपड़ा किसे कहते हैं, फिर दूध भी आपको पता है, मेहनत वो तो आप करते ही हो एग्जाम के वक्त और हर एक काम में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर पानी वो भी आप जानते हो,
तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? मात्रा, यानी कपड़ा है, तो कितनी मात्रा में, यानी कितना कपड़ा है, तो यहाँ पर कितना मीटर कपड़ा है आप सोचोगे ना, तो यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा है, यानी ये मात्रा है। याद रखो ये चीजें, जब भी मीटर में हो, लीटर में हो, थोड़ी या बहुत, याद रखो, ऐसे मत सोचना कि 2 है फिर आधा है तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। याद रखो अगर ये चीजें लिखी है लेकिन बाद में यहाँ पर लीटर मीटर ये सारी चीजें है, तो हमेशा याद रखना कि वो संख्यावाचक विशेषण कभी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ संख्या होती है, यहाँ पर सिर्फ संख्या नहीं है, उसके बाद मात्रा दर्शाई गई है, यानी कितना है, वजन में या तोल में। आप तोल तो जानते हो ना, अगर आप शॉर्ट मार्केट में जाते हो तो आपको ज्यादातर पता ही होगा, वहां पर सब्जियां खरीदते हो तो वहां पर तोलते हैं, वही तोल। और वो तो कहीं भी आप जाओगे तोल के बारे में तो मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा और जानते होगे, क्योंकि वो बहुत ही सामान्य बात है। तो यहाँ पर पहला क्या है, 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा तो है लेकिन कितना है, तो 2 मीटर, तो ये उसकी मात्रा होगी, कितना कपड़ा है, तो 2 मीटर कपड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आधा लीटर दूध, तो दूध तो आपको पता है कि दूध है लेकिन कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, मात्रा तो समझनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर मात्रा में आधा लीटर लिखा है, यानी आधा जो है वो क्या हुआ, उसकी मात्रा हुई। फिर उसके अलावा मेहनत करते हो आप, बहुत मेहनत करते हो, थोड़ी करते हो, कम करते हो, आपकी मात्रा होनी कि आप कितनी करते हो, प्रश्न यही होगा ना कि आप कितनी मेहनत करते हो, तो कितनी होगी, थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ी ये उसकी विशेषता होगी, मेहनत तो हम लोग करते हैं लेकिन कितनी करते हैं, थोड़ी करते हैं। फिर उसके अलावा पानी है लेकिन कितना है, बहुत सारा पानी है, तो वो भी उसकी मात्रा हुई। हमेशा याद रखो कि जब भी परिमाणवाचक विशेषण, अगर आप कोई भी शब्द या फिर कोई व्याख्या या फिर कोई भी सेंटेंस, यानी कि कोई भी वाक्य पढ़ रहे हो या फिर शब्द पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर इस तरह से 2 मीटर, आधा लीटर, थोड़ी, बहुत, ये सारी चीजें हो, और ज्यादातर उसके पास वाली चीजें, यानी ये जो सारी चीजें है ना, याद रखो ये सारी चीजें पदार्थ में आती है, ये पदार्थ है सारे, वो चाहे सख्त हो, कठिन या फिर वो प्रवाही हो। याद रखो जब भी किसी पदार्थ की बात हो, पदार्थ के अंदर कपड़ा भी आ सकता है और कोई वस्तु भी आ सकती है, फिर ये प्रवाही यानी कि दूध भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, मेहनत भी आ सकती है, ये सारी चीजें अगर लिखी गई कि ये कितनी हो रही है, तो हमेशा याद रखना कि ये चीजें अगर साथ में आपको दिखे तो ये सिर्फ और सिर्फ परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण कही जाएंगे। समझ में आया सबकी, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, पता चला? ओके, तो ये चीजें हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरह से मात्रा दर्शाई गई, इतने जो गुजराती में तुम्हारे समझ हुआ है, तो जरे पर कोई वस्तु तो माप आपड़े लेने चाहिए, माप हो ये चाहे कपड़ा नु हो, पछी दूध हो, पानी हो, तमे कोई कार्य करी हो, ये बद्दी वस्तु नु जे पण माप थाय, याद रखो ये बद्दू ज माप परिमाणवाचक विशेषण में आवे, केम के मात्रा छे, केटलू छे, केवू छे नथी, केटला नथी, केटलू छे। याद रखो जब भी अगर आपको कितना ये आए कि कितना है, कितनी मात्रा में है, या फिर कितना है, कपड़ा है लेकिन कितना है, तो 2 मीटर है। समझ में आया, तो ये 2 मीटर ये उसकी क्या हुई, विशेषता हुई। तो यहाँ पर जब भी ऐसे शब्द लिखे जाए वाक्य, मुझे लगता है कि वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना तो आप समझ ही सकते हो, कि यहाँ पर जब भी ऐसी चीजें आपको दिखाई दे तब याद रखना कि यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण ही आएगा। ओके, सबकी समझ में आ गया परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या, तो मैं अब आगे पढ़ाती हूँ। समझ में आ गया सबकी परिमाणवाचक विशेषण? ओके, चलिए अब चौथा और आखिरी लिखो, सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण। उसकी व्याख्या लिखो। पुरुषवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को आपको पता ही है, पुरुषवाचक भी मैंने पढ़ा दिया है और निजवाचक भी आपको पता है। निजवाचक यानी खुद के लिए, पुरुष यानी व्यक्ति, यानी मैं, तुम, हम, ये सारी चीज, ज्यादातर मैं और हम उसमें गिना जाएगा। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी के जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं और विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण लिख देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। लिख लो। पहला है कोई बात, दूसरा इस शहर में, तीसरा है किसी राह पर। यहाँ पर हमेशा याद रखो कि जो संज्ञा जो भी व्याख्या में उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको समझा दी कि याद रखो, जब भी कोई सर्वनाम, सर्वनाम तो आपको पता ही है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, याद रखो पुरुषवाचक यानी मैं, हम, और निजवाचक यानी स्वयं, खुद, उसके अलावा, उसे छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी वाक्य है कि जिसके अंदर संज्ञा और सर्वनाम के पहले, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम तो पता है ना, उसकी जगह पर अगर ऐसे शब्दों से वाक्य शुरू होता हो, जैसे कोई बात या फिर इस शहर में किसी राह पर, याद रखो ये सारी चीजें हर एक जगह पर आप बोल सकते हो, हर एक जगह पर बोल सकते हो ना कि कोई बात हो रही है, तो कोई भी इस्तेमाल इसे कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही राइट है, मैं ही इसे बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं होता। सार्वनामिक यानी सभी के लिए वो आप इस्तेमाल कर पाओ। तो यहाँ पर है कोई बात, तो कोई बात आप किसी भी बात के लिए कर सकते हो, किसी से कह भी सकते हो और कोई भी इस चीज को बोल सकता है। फिर इस शहर में, तो फिर जरूरी नहीं है कि अहमदाबाद है, तो सिर्फ अहमदाबाद की बात, कोई और शहर भी हो सकता है, पुणे हो सकता है, उसके अलावा और कोई हो सकता है, बड़ौदा या कोई भी हो सकता है ना। तो सभी लोग इस शहर में ये वाक्य से शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके अलावा किसी राह पर, तो याद रखना ये किसी राह पर, यानी राहें तो बहुत होती है, जगह बहुत होती है, रास्ते बहुत अलग होते हैं, तो याद रखना कोई भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। सर्वनाम का प्रकार जो है, आपको सर्वनाम के बारे में मैंने बताया ना कि सभी लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी जगह पर वो ना, कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर ये सारे जो वाक्य है, ये सारे जो विशेषण है, याद रखो ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए ये सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये चीजें हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जब भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्यादातर हम क्या कहते हैं, मैं से शुरुआत करता है, हमसे शुरुआत करते हैं। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। उसके अलावा खुद के लिए बात करते हैं, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, याद रख लो ये दोनों सर्वनाम सबसे पहले आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो इसकी जगह पर याद रखो पहले ये लिखा जाए, उसके बाद
दूसरी संज्ञा या सर्वनाम लिखा जाए तो ये कौन सा बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। याद रखना, कभी भी ये शब्द यानी ये सारे वाक्य अगर आप बनाने चाहो तो याद रखना, वहां पर कभी भी अगर आपको लगे कि नहीं ये सार्वनामिक हो सकता है तो पहले ये देख लेना कि कहीं वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम तो नहीं, उसके अलावा निजवाचक यानी खुद की बात तो नहीं हो रही है ना। जब भी ये दोनों चीजें ना हो और उसके अलावा अगर ऐसे शब्द रखे जाए उसके बाद यानी कि विशेषण के बाद अगर संज्ञा लगाई जाए, ज्यादातर क्या होता है कि पहले संज्ञा सर्वनाम होते हैं और उसके बाद विशेषण आपको दिखाए जाते हैं। लेकिन जो सार्वनामिक होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले आपको विशेषण लिखे जाते हैं और उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम लिखे जाते हैं। लेकिन याद रखना, इसके बाद की जो संज्ञा और सर्वनाम लिखते हो वहां पर कहीं भी पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम नहीं आना चाहिए। वो तो आपको बताइए, क्योंकि पुरुषवाचक और निजवाचक सबसे पहले लगता है, संज्ञा और सर्वनाम सबसे पहले लगते हैं, तो वो कभी भी वो दोनों साथ में नहीं आएंगे। उसके अलावा जितने भी सर्वनाम है सारी सॉरी उसके अलावा जितनी भी संज्ञाएं है या फिर सर्वनाम सभी इसके बाद लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ पुरुषवाचक और निजवाचक में ये सारे शब्द नहीं आएंगे। याद रखना, अगर वो दो ना हो और उसके अलावा अगर बात इससे शुरू होती है तो याद रखना ये क्या होगा, कौन सा वाक्य होगा या फिर कौन सा शब्द होगा? सार्वनामिक विशेषण, यानी ये विशेषता दर्शाता है उस चीज की। समझ में आया? तो ये पूरा हो गया सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया सबकी कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ओके, ओके, मैं फिर से समझाती हूँ। याद रख कि जब भी आप लिखते हो पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर कोई भी पुरुषवाचक हो या निजवाचक, तब क्या लिखते हो? पुरुषवाचक में मैं हमसे शुरुआत करते हो। याद रखो, जब भी आप कोई वाक्य लिखते हो तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से होती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो शब्द होते हैं वहां पर पहले कौन सा आता है? सार्वनामिक, यानी यहाँ पर पहले विशेषण आता है, उसके बाद सर्वनाम या संज्ञा लगती है। याद रखो, निज कोई भी सर्वनाम हो या पुरुषवाचक हो निजवाचक हो, सारे सर्वनाम संज्ञा पहले नंबर पर आती है, उसी से वाक्य की शुरुआत होती है और उसके बाद हम विशेषण लगाते हैं। यहाँ तक हमने जितने भी वाक्य पढ़े सभी में यही चीजें हुई है ना, कि पहले हम क्या लेते हैं? संज्ञा या सर्वनाम लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी विशेषता दर्शाते हैं, होता है ना यही। लेकिन ये जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि संज्ञा सर्वनाम पहले आते हैं, हमेशा यहाँ पर विशेषता पहले आती है यानी कि विशेषण पहले लगता है और उसके बाद हम लोग संज्ञा या सर्वनाम लगाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि पीछे आप संज्ञा या सर्वनाम लगाओ लेकिन फिर भी वहां पर पुरुषवाचक यानी मैं हम और निजवाचक यानी स्वयं ये सर्वनाम या संज्ञा नहीं लगा सकते। इन दोनों को छोड़कर आप कोई भी संज्ञा सर्वनाम लगा सकते हो। और जब भी ये चीज आपको दिखे याद रखना ये चीजें हमेशा सार्वनामिक विशेषण कहलाई जाएगी। अब समझ में आया सबको? ओके, तो यहाँ पर हम विशेषण का जो पूरा टॉपिक है वो पूर्ण करते हैं। ओके, गुड डे।